बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ गॉक में बैठने के लिए, मतलब बालकनी, हम लोग यहाँ गॉक बोलते हैं इसको। तो आपने देखी होगी, यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है। और ये कुछ यहाँ पर अलमारी में है बस, यहाँ और कुछ भी नहीं, यहाँ दो तीन बस कुछ चेयर डली रहती हैं। और जब यहाँ से क्या है ना, पूरा खुला खुला है तो हवा काफ़ी अच्छी आती है। और आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, कुछ ऐसा खास है, मेरे लिए नहीं, मेरी मम्मी जी के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज उनके सबसे छोटे वाले भाई आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो उनके बच्चे और उनकी वाइफ आ रहे हैं, तो बस आज का वीडियो मेरा उसी के ऊपर होगा। और तो बस इसी जिस तरीके से मेरी वीडियो कंप्लीट होती जाएगी, आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा। और हो सकता है मैं अपनी मामू मामानी उनके बच्चे सभी से आप लोगों को मिलवाऊंगी। और अभी घर में हो रहा है पूरे तरीके से सन्नाटा, क्योंकि मम्मी गई हैं अभी बाहर और बच्चे वगैरह को भी ले गई हैं। तो नीचे क्या है ना, चारों तरफ का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था और मुझे थोड़ी सी हवा खानी थी, नीचे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। नहीं नहीं सन्नाटा नहीं है, ये है किचन में। ये नहा धो के खड़ी है, क्या बना रही हो? आमलेट, चीला, चीला, ये चीला बनाने में एक्सपर्ट है। कहीं आटे का चीला, कहीं बेसन का चीला, इनको भूख लगती है तो तीन चीजें बनती हैं, आटे का चीला, बेसन का चीला और अंडा ब्रेड। अंडा ब्रेड इनकी जो तीन चीजें फेवरेट है, कुछ बने खाने में, बनता रहे ऐसी तैसी में जाए, ये चीजें आज का वीडियो मैं बना रही हूँ चिंगे मामू के ऊपर। सॉरी, उनका नाम क्या है, नाम है उनका मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सब लोगों ने चिंगे मामू, क्योंकि सबसे छोटे हैं तो प्यार से उनको सब लोग चिंगे मामू बुलाते थे, तो बुलाते हैं सॉरी, और इसीलिए सब मैं भी उन्हें चिंगे मामू ही बुला लेती हूँ। ओके, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया करे तो उसे कमेंट में भी बताया करें। ओके, फिर मिलती हूँ मैं शाम को, मतलब वीडियो अभी कंप्लीट है, आप देखते रहिए। वालेकुम अस्सलाम, चलो चलो तेरे गंदा सा लग रहा है। तो मामू मामानी आ चुके हैं और मैं यहाँ पर बना रही हूँ मामानी के लिए बिरयानी, और मैंने एक तरफ चाय भी रख दी है। तो बस यहाँ मैंने बिरयानी की तैयारी कर ली है, और बिरयानी की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है। मैंने बनाया अखनी पुलाव, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया, क्योंकि बच्चे ज़्यादा परेशान कर रहे थे इसलिए मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई। और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर इंशाल्लाह कभी ना कभी करूंगी, और काफ़ी टेस्टी बनी थी, यमी, आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा। तो अभी बस गरम गरम बनी है, और मैंने चाय नाश्ता भी इसके साथ, जब मैं इसको बना रही थी तब मैंने चाय नाश्ता भी मामू मामानी को करवा दिया। तो अभी मैं इसको ढककर रख दूँगी और कुछ टाइम के बाद सर्व करूँगी, क्योंकि अभी तो वो लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, तो नाश्ता पानी हो गया है उनका, अभी वो बैठे हुए हैं। और ये है मेरी बिरयानी का फाइनल लुक, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रही थी, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, सभी ने काफ़ी तारीफ करी थी, सभी को पसंद आई थी। और यहाँ पर बस मैंने खाना निकाल दिया है, बिरयानी ही बनाई थी क्योंकि मामानी को, मामू को, दोनों को ही चावल बहुत पसंद है। और ये वीडियो मैंने नेक्स्ट डे का इसमें ही डाल दिया है, शामिल कर दिया है, क्योंकि रात हो गई थी और वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो ये है मामू का सबसे बड़ा लड़का, और जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, तो ये छोटे दो लड़के हैं, और ये मेरी मामानी हैं, ये मेरे छोटे मामू हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और खुश मिजाज हैं दोनों जने। और ये मामानी मेरी बिहार की हैं, बिहार से बिलोंग करती हैं ये,
और ये उनके दोनों बच्चे हैं। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और इनका लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, रो रहा था क्योंकि मम्मी जो अजमेर से कपड़े लेकर आई थी वो उसको पहना दिए थे, फिर उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं और यहाँ पर मुमानी ने भी चेंज वगैरह कर लिया, फ्रेश वगैरह हो ली हैं। तो अभी बैठी हैं मुमानी बालकनी में और बाहर से इंजॉय कर रही हैं। तो ये देखिए ये हो रहा है डांस और निक्की की शादी की वीडियो चल रही है और सभी लोग बैठकर यहाँ पर शादी की वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और बस ये डांस कर रहे हैं। तो अभी हो गई है रात और खाना वगैरह भी बन गया है, तो अभी खाना वगैरह किसी ने नहीं खाया है क्योंकि पापा हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट और माऊ मुमानी जो है वो बहुत जल्दी खाना खाते हैं और हमारे यहाँ थोड़ा सा लेट खिलता है। मम्मी वगैरह खा लेती हैं, पापा वगैरह खा लेते हैं, मतलब एग्जैक्टली किसी का कोई खास टाइम नहीं है, पापा का टाइम है, पापा ऑफिस से आकर थोड़ा रेस्ट करके खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मामू मुमानी खाना खा रहे हैं, खाने में मम्मी ने बनाया था आज का खाना, मम्मी ने बनाया है तो मम्मी ने बनाया चिकन और नान रोटी मम्मी ने बाज़ार से मंगवा ली थी क्योंकि अब तो बगल में होटल खुल गया है तो मम्मी मंगवा ली थी, और मीठे में बनाया था मम्मी ने गाजर का हलवा और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती है। तो बस इसी के साथ तो वीडियो का करती हूँ मैं एंड। वीडियो आप लोगों को पसंद आई, वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक आप लोग मेरी वीडियो देखते रहें, कमेंट करते रहें, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।